हेलो मैकेनिक भाइयों, मैं एक छोटा सा यूट्यूब क्रिएटर उल्फत अंसारी और आप सभी को स्वागत करते हैं कि नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप सभी को पता होगा कि अभी जो जनरेशन चल रहा है BS6 का है और पर डे इस BS6 के सोल्यूशन को लेकर हम आफ्टर मार्केट मैकेनिक भाइयों तक लेकर पहुंच ही जाते हैं। तो अभी आप सभी को पता होगा कि OBD एक बहुत ही अहम रोल निभाता है BS6 बाइक और स्कूटर को स्कैन करने में। तो आप सभी को पता होगा कि मैं जो है पहले डिफरेंट प्रोडक्ट के बारे में आप सभी मैकेनिक भाइयों को बताएं, ये जो यूनिवर्सल केबल के बारे में भी आप सभी को बताया होगा, जब 8 केबल आया जब मैंने बताया, जब 10 केबल का अपडेट आया जब मैंने बताया। तो इसमें क्या है कि अभी जो है बहुत सारे मैकेनिक भाइयों को इसमें जो प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा है कनेक्टिविटी को लेकर, या फिर ब्लूटूथ में जैसे ही कोई ऑप्शन नहीं मिलता है या फिर कनेक्शन में प्रॉब्लम होता है। तो आज की जो इस वीडियो में आपको एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताने वाले हैं, ये जो प्रोडक्ट है उन सभी मैकेनिक भाइयों के लिए है जिसके पास मोबाइल नहीं है, या फिर मोबाइल है बट उसको चलाना नहीं आता, या फिर ब्लूटूथ कनेक्ट करने में प्रॉब्लम होता है, या ब्लूटूथ जब कनेक्ट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली बायपास हो जाता है, वापस आ जाता है। उन सभी का सोल्यूशन मैं यहाँ पे जो लाया हूं आज, बिना कोई मोबाइल और बिना कोई एंड्रॉइड फोन के, सिर्फ इस प्रोडक्ट की मदद से आप मिनटों में पता कर सकते हैं कि गाड़ी में हमारा क्या प्रॉब्लम है, कौन से सेंसर में प्रॉब्लम है, कौन से एक्चुएटर में है। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। और अनबॉक्सिंग करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपको पता होगा कि जब भी मैं कोई केबल की वीडियो शूट करता हूं तो ये जो केबले हैं मैं उन सभी मैकेनिक भाइयों को देता हूं जिनको इसकी आवश्यकता है। जी हाँ, पिछली भी वीडियो मैंने शूट किया था जिसमें मैं इसको गिव अवे के तौर पर दिया था। तो आपको इस गिव अवे को जो है पार्टिसिपेट करने के लिए, इस केबल को पाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले स्टेप में आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को सबसे पहले लाइक कर देना है और एक अच्छा सा कमेंट। जैसे ही कमेंट कीजिएगा मैं कमेंट के थ्रू ही एक मैकेनिक भाइयों को पिक करूंगा, कमेंट पिकर के थ्रू जो लाइव रहेगा, और एक केबल जो है आपको मैं फ्री में होम डिलीवरी घर तक पहुंचाऊंगा, जो होंडा, TVS, बजाज, KTM और ये जो हीरो का है सभी में आपके घर तक फ्री में, इसका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। तो गिव अवे पार्टिसिपेट करने के लिए वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। अब चलिए इस प्रोडक्ट को मैं अनबॉक्स करता हूं और सभी बाइक जितने भी यामाहा FZ, रॉयल एनफील्ड, KTM, KRC, नॉर्मल से लेकर उच्च लेवल तक जितनी भी बाइक और स्कूटर है सब में इसको कनेक्ट करेंगे और इसका टेस्टिंग प्रोसेस बताएंगे। और हाँ, इसे अगर आपको खरीदना हो कहीं भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं, स्क्रीन के ऊपर मेरा दिख रहा होगा व्हाट्सएप नंबर, मुझसे व्हाट्सएप कीजिए और इसके बारे में पूरी प्राइस डिटेल, कितना प्राइस है, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, मुझसे वीडियो कॉलिंग करके सारा प्रॉब्लम का सलूशन निकालिए और इस प्रोडक्ट को आप मुझसे परचेज कर सकते हैं। चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं और आपको एक एक प्रोसेस बताते हैं कनेक्टिविटी के बारे में। तो मैकेनिक भाइयों, सबसे पहले इसके हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और इसके साथ साथ अगर आपको इन सभी प्रोडक्ट, जैसे ये 10 केबल का प्रोडक्ट है और यहाँ पे देखें ये 8 केबल का प्रोडक्ट है और इसके साथ साथ मल्टीमीटर प्रोब भी है, तो इन सभी में से आपको कुछ भी चाहिए हो तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये अपडेट वाला भी चाहिए हो या नॉन अपडेट वाला भी चाहिए हो, सारी चीजें अवेलेबल। सिर्फ केबल चाहिए वो भी मिलेगा, सिर्फ OBD चाहिए वो भी मिलेगा। अब चलिए इसकी हम नॉर्मल से अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और उसके बाद इसके इनसाइड देखते हैं कि एक्चुअल इसके अंदर है क्या क्या चीज और आपको क्या क्या इसके अंदर मिलेगा इसने पैसे इन्वेस्ट करने के बाद। तो चलिए इसको हम ओपन कर लेते हैं और केबल वाला सेक्शन और इसके जो है, तो सबसे पहले इस वाले पैकेट को हम इसको ओपन करते हैं ब्लेड की मदद से और इसकी जो प्लास्टिक की लेयर है और फिनिशिंग देखें और इसकी पैकेटिंग देखें कितना बेटर तरह से इसको जो है पैक किया गया है। तो जैसे ही आप इसके प्लास्टिक के लेयर को ओपन करेंगे तो इस तरह से आपको एक बॉक्स देखने को मिलेगा। अब इसको जैसे ही ओपन करेंगे तो इसमें मल्टीपल केबल है, तो यहाँ पे आप समझने की कोशिश करें, यहाँ पे मैं आपको मल्टीपल केबल दिखा रहा हूं बट आपको जब लेना है तो ये यूनिवर्सल केबल लेना है क्योंकि आप इसे इजीली कैरी भी कर सकते हैं, कहीं ले भी जा सकते हैं और साथ ही साथ एक ही डब्बे में सारी चीजों को आसानी से रख सकते हैं। और ये जो है मल्टीपल केबल, इसे जब आप लेते हैं तो कभी ये केबल आपकी जरूरत पड़ गई, कभी ये केबल जाइए तो इसमें आपको परेशानी बढ़ सकती है। तो मैं रिकमेंडेड करूंगा कि आप ऑल इन वन केबल खरीदे मेरे साथ मुझसे, ताकि आपको जो है आसानी उसको यूज करने में, या फिर आपके पास ऑल इन वन केबल है या कोई ऐसा केबल एक सिंगल आपको चाहिए हो तो उसके लिए भी आप मुझे बता सकते हैं। तो यहाँ पे देखें ये TVS का है और यहाँ पे देखें ये होंडा, स्कूटी, पेप प्लस, सुजुकी, न्यू, यामाहा, और साथ ही साथ यहाँ पे देखें TVS यूनिवर्सल, यानी ये लगेगा हमारी गाड़ी के जो जुपिटर में, एक्सल 100 में। और यहाँ पे देखें
ये है रॉयल इनफील्ड, और इस जगह पे देखें बजाज प्लस केटीएम, और इस जगह पे देखें तो यहाँ पे हीरो और यहाँ पे जुपिटर, यानी जो सारे केबल इसमें है वही सारे केबल इसमें है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि ये सारे चीजें जो कनेक्ट होगा वो ये है मेन हमारी, ये क्या है कि बिना मोबाइल के सारे प्रॉब्लम का सलूशन ये जो है आपको निकाल के देता है कुछ ही मिनटों में। तो ये प्रोडक्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको हम यहाँ से अच्छे तरीके से कट कर लेते हैं और उसके बाद आपको निकाल के दिखाते हैं कि ये प्रोडक्ट है क्या और कैसे काम करेगा। जैसा कि मैंने बताया कि सभी गाड़ियों में इसकी मैं टेस्टिंग करूंगा। तो ये देखें, तो देखिए ये वो प्रोडक्ट है जिसके मदद से आपको मोबाइल का कोई भी कनेक्शन लेने की आवश्यकता नहीं है। इसी से आप जो है कंप्लीट फाइंड आउट कर सकते हैं प्रॉब्लम का। तो चलिए इसे हम ओपन कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं कनेक्टिविटी लेने के बाद कि क्या ये एक्चुअल में काम करता है या नहीं। बहुत सारे ऐसे मैकेनिक भाइयों का रेगुलर कमेंट आता है या फिर कॉल आता है कि मेरे पास मोबाइल अवेलेबल नहीं है या फिर मैं उतना मोबाइल का यूज नहीं करता हूं। तो कोई भी बात नहीं, सिर्फ यहाँ पे दो ही बटन के मदद से आप सारी गाड़ियों का जो प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से कुछ इस प्रकार से ये जो है ओपन हो जाएगा और उसके बाद इसके अंदर का जो है मेन प्रोडक्ट निकलेगा। तो ये इसका प्रोडक्ट है। यहाँ पे आपको दो बटन देखने को मिल रहा है, एक एंटर एंड एग्जिट और दूसरा स्क्रॉल का। अब कैसे इसको यूज करना है चलिए वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो ये देखिए ये यूनिवर्सल केबल है जो इसके अंदर इजीली सूटेबल हो जाएगा। अब इसको जो है हम किसी भी बैग से कनेक्ट करेंगे और कुछ ही मिनट में पता करेंगे। तो चलिए मैं एक या दो बैग में टेस्टिंग नहीं करता हूं, जब भी टेस्टिंग करता हूं तो पांच या छह या जितनी भी मॉडल की कंपनियां की बाइक है सभी में टेस्टिंग करता हूं ताकि कंफ्यूजन नाम की चीज ना हो। चलिए बाइक के पास ले चलते हैं और सभी बाइक में एक एक करके टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग प्रोसेस शुरू करने वाले हैं हीरो की मोस्ट पॉपुलर स्प्लेंडर के ऊपर। सबसे पहले इसके क्या करेंगे, जितने भी सेंसर्स हैं इन सभी सेंसर्स को मैं ओपन कर दे रहा हूं। ये देखिए इसके थर्मल सेंसर के कपलर, टीपीएस, आईएटी और मैप सेंसर, और ये इसका यहां पे जो है आईएसीवी वाल्व, साथ ही साथ इसके ओ2 सेंसर। सारे सेंसर्स के कपलर को मैं ओपन कर दूंगा, उसके बाद ये देखूंगा कि ये जो सारे सेंसर को फाइंड आउट कर पाता है या नहीं, ये वेस्ट तो नहीं है, कंप्लीट लाइव प्रोसेस दिखाएंगे। उसके बाद मैंने सारी चीजों को ओपन कर लिया, अब इसके इग्निशन को ऑन करेंगे और कोशिश करेंगे बाइक को स्टार्ट करने को। स्टार्ट होके बंद हो गई, यानी ईसीएम ये फेस कर लिया कि इसके अंदर सारे सेंसर की खराबी है। अब देखिए आपके पास मैं लाइव प्रूफ शेयर करूंगा। चलिए इसको हम यहां से ओपन करते हैं और जो ये स्पेशल है डैशबोर्ड उसको मैं यहां पे कनेक्ट करता हूं और देखता हूं कि प्रॉब्लम का इसमें सोल्यूशन दिखता है कि नहीं, फिर रॉयल इनफील्ड, केटीएम, यामाहा, पल्सर सभी में टेस्ट करेंगे। तो इस प्रोडक्ट को यहाँ पे असेंबल करने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जब आप इस चीज को मेरे से लीजिएगा तो मैं आपको साथ ही साथ यूजर मैनुअल भी भेज दूंगा ताकि आपको आसानी से इसके बारे में समझ में आ सके कि ये है क्या चीज और ये कैसे कैसे इसके डेटा को फाइंड आउट करता है। तो देखें यहाँ पे यूजर मैनुअल लिखा हुआ है और इसके अंदर सारी चीजें इंफॉर्मेशन जो इसके अंदर दिया हुआ है, अगर नॉर्मल देखा जाए तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो बी यानी बॉडी, सी चेचिस, पी पावर ट्रेन, यू नेटवर्क यानी जो भी बैटरी लो का पावर ट्रेन या फिर चेचिस या बॉडी से जुड़ा हुआ कोई भी इन्फॉर्मेशन रहेगा तो यहाँ पे आप इसके मदद से कंप्लीट फाइंड आउट कर सकते हैं और इसकी टेस्टिंग प्रोसेस जो है इसके अंदर डिटेल में लिखा हुआ है। चलिए आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ये जो येलो कलर का जो कपलर है ये इसके हीरो के लिए यहाँ पे जो है सुटेबल मैच करता है। इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूं। यूनिवर्सल भी आप परचेज करेंगे तो सभी गाड़ियों में ये लग जाएगा। अभी देखिए इसके अंदर कुछ भी यहाँ पे शो नहीं किया, ये वेट कर रहा है कि कब आप इग्निशन को ऑन करें। आपने देखा मैंने कितने सारे सेंसर को ओपन किया है, अब इग्निशन को हम कर दिए हैं ऑन। ये देखिए यहाँ पे कंप्लीट इसके डैशबोर्ड पे दिख रहा है और ये बता रहा है कि आप प्रेस करें एंटर क्यों, तो इस जगह पे एंटर के बटन को प्रेस करेंगे। ये देखिए क्या बताया कि कोड जो ये फाउंड किया है, यहां पे अगर देखें तो पांच कोड जो है इसके अंदर देखने को मिल रहा है। ये ऊपर वाला देखें, सबसे पहले क्या है, ऑप्शन बहुत सारे हैं, रीड कोड, इरेज कोड, व्यू फ्रीज फ्रेम, यानी देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जैसे आप किसी भी गाड़ी में इसको लगाते हैं तो ये चेचिस नंबर को फाइंड आउट कर देगा, गाड़ी कब डिलीवरी हुई है कब भी की सारा इंफॉर्मेशन ये कलेक्ट करके आपको बताएगा। तो सबसे पहले हम इसके जो है कोड को पढ़ेंगे कि क्या इसके अंदर कोड है, या फिर स्क्रोल करके आप इसके नीचे ऑप्शन तक भी जा सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन इसके अंदर है, एग्जिट भी यहां से ले सकते हैं। यहां पर अगर आप देखें तो व्हीकल इंफॉर्मेशन भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम कोड को पढ़ेंगे क्या इसके अंदर कोड है।
एक जरा से भी टाइम नहीं लिया प्रोसेसिंग में, कुछ ही मिनट में देखिए क्या क्या प्रॉब्लम बता रहा है। थ्रोटल पेडल पोजीशन सेंसर ये देखिए खुला हुआ है, एकदम एक्यूरेट बताया। अब यहां पे देखिए मैं भी फर्स्ट कोड पे हूं, ये जो कोड जनरेटिक बता रहा है यहां पे 10 कोड इसके अंदर प्रॉब्लम दिख रहा है। अब इसको क्या करेंगे, हम स्क्रॉल करते चले जाएंगे और क्या क्या प्रॉब्लम है ये पता करेंगे। थ्रोटल पेडल पोजीशन सेंसर स्विच ए सर्किट लो, यानी इसका कपलर खुला हुआ तो एरर बताएगा ही। उसके बाद मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर इसी के अंदर होता है। इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर एकदम सटीक तरीके से वर्क कर रहा है, लाइव प्रूफ में आपको दिखा रहा हूं। इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर को ओपन किया, यहां पे इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर का कोड दिखा, साथ ही साथ एयर इनटेक टेम्परेचर सेंसर इसी का कोड दिखा, और यहां पे मैन्युफैक्चरर कंट्रोल तो वो रहेगा, थ्रोटल पेडल पोजीशन सेंसर, और साथ ही साथ मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर, इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर, इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर, और सारे ये जितने भी प्रॉब्लम है ये कंप्लीट आपको यहां पे दिख रहा होगा। जो जो चीज मैंने ओपन किया है वो सारा चीज यहां पे आपको दिख रहा होगा। अब इसको हटाएंगे कैसे, अभी आपको इसके मीटर में दिखाते हैं कि चेक लाइट आ रहा है। तो देखिए यहां पे भी आपका एरर आ रहा है, आप जैसे इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहां से जाएगा ही जाएगा, गाड़ी को रन करने की आवश्यकता नहीं, गाड़ी को स्टार्ट करने की आवश्यकता नहीं। अब यहां से सारे कोड को हम हटाने के लिए यहां से एग्जिट ले लेंगे और इसके जस्ट यहां पे नीचे देखें एरेज कोड का जो ऑप्शन है इसको हम एंटर करेंगे, और यहां पे देखिए क्या है, एरेज ट्रबल कोड, आर यू श्योर कि आप इससे हटाना चाहते हैं, तो यहां पे हम यस करेंगे। जैसे ही यस करेंगे सारे कोड को ये फाइंड आउट करके हटा देगा। यहां पे प्रेस एनी की एंड देखिए इसको ऑफ करके फिर से ऑन करेंगे और कंप्लीट आपको मीटर में दिखेगा कि सारा का सारा कोड चला गया है। अब जैसे इसके कोड को हटाएं, यहां पे आपको दिख रहा होगा इसके जो इस जगह पे रीड कोड के ऑप्शन पे देखिए नो कोड स्टोर्ड, यानी कोई भी इसके अंदर प्रॉब्लम अब नहीं जब इसको मैंने रिफ्रेश किया। अब एरर कोड के ऊपर भी जाएंगे तो यहां पे भी आपको कोई भी कोड देखने को नहीं मिलेगा, देखिए पूरा का पूरा खत्म हो गया। अब ऊपर भी अगर आपको स्क्रॉल करके दिखाया दिया जाए तो अभी फिर से इसके कोड को हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं, देखिए नो कोड आर यू स्टोर्ड। अब क्या करेंगे कि गाड़ी को स्टार्ट करके देखेंगे कि चेक लाइट ऑन रहता है या ऑफ। तो अभी बिना ऑफ किए कैमरे को हम देखिए अभी चेक लाइट यहां पे जला हुआ है, इग्निशन को ऑफ किए ऑन करके गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। ये होता है लाइव प्रूफ, यानी अगर आपको मोबाइल चलाना आता भी हो या ना आता हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आप इस छोटे से गैजेट से कंप्लीट सारे प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, यहां पे देखें इसको स्क्रॉल करके दिखाते हैं, एरेस कोड है, व्यू फ्रेम एंड केटिस, आई एम रेडनेस, और इसके अगर देखें व्हीकल इन्फॉर्मेशन और एग्जिट, तो ये सारी चीजें के बारे में आपको चलिए रॉयल एनफील्ड में समझाते हैं। मैकेनिक भाइयों देखें RE 350 है क्लासिक, और यहाँ इसके अंदर मैंने जो है OBD के इस वाले सिस्टम को पूरी तरह से असेंबल कर दिया है। अब चलिए सबसे पहले आपको गाड़ी को स्टार्ट करके दिखा देते हैं। तो अभी गाड़ी का इग्निशन मैंने ऑन कर लिया है, और यहाँ पे आपको अगर दिखा दें इस जगह पे अगर देखें तो चेक लाइट इस जगह पे जला हुआ है, जैसे गाड़ी स्टार्ट करेंगे ये चला जाएगा, ये देखिए चला गया। तो पता ये चला कि इसके अंदर अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलिए इसके अंदर हम प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। क्या करेंगे, इसके यहाँ पे जो हीटर ऑक्सीजन सेंसर है, O2 सेंसर भी बोल सकते हैं, तो इस सेंसर को हम यहाँ से रिमूव करते हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि इस मशीन में फाइंड आउट हो पाता है कि नहीं कि O2 सेंसर आपका खुला हुआ या फिर जो भी सेंसर खराब होगा ये रॉयल इनफील्ड में काम करेगा या नहीं, क्योंकि रॉयल इनफील्ड में जो है कनेक्टिविटी में बहुत सारे मैकेनिक भाइयों को कन्फ्यूजन होता है और काफ़ी केबल जो है रॉयल इनफील्ड में कनेक्ट नहीं हो पाता है। तो देखेंगे क्या ये जो OBD2 है ये परफेक्ट जो है काम करता है कि नहीं RE में। तो चलिए इस, क्योंकि थर्मल सेंसर तो बहुत सारी गाड़ियों में मैंने ओपन किया, इसको ओपन नहीं करेंगे अभी, करेंगे इसको यहाँ पे इसका जो O2 सेंसर है इसको ओपन करते हैं, और चलिए आपको लाइव दिखाते हैं कि इसके अंदर जो है कोड डिटेक्ट होगा कि नहीं। चलिए इसे हम ओपन करते हैं। अब इसके कपलर को मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया है, अब गाड़ी को जैसे स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको चेक लाइट दिखेगा। अभी देखिए अभी यहाँ पे चेक लाइट दिख रहा है, इग्निशन ऑन करने के बाद भी ये दिखेगा, ये जाएगा नहीं यहाँ से। तो ये देखिए क्या आपको देखने को मिला कि यहाँ पे जो है गाड़ी स्टार्ट करने के बाद भी चेक लाइट जला रहता है। इससे पता ये चला कि हमारी गाड़ी में कहीं ना कहीं सेंसर या एक्चुएटर की खराबी है। तो हमें तो पता चल गया कि इसका यहाँ पे O2 सेंसर मैंने ओपन किया इसलिए O2 सेंसर की खराबी है। अब ये देखेंगे कि क्या ये जो OBD2 है इसे पता चल पाता है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे, ये थोड़ा सा रिफ्रेशिंग में टाइम लेगा। ये देखिए कुछ ही सेकंड में यहाँ पे जो कोड ये फाउंड कर लिया, यहाँ पे देखें एक कोड ये बता रहा है। चलिए इसे हम ये देख लेते हैं कि ये कोड कौन सा बता रहा है। तो सबसे पहले ये जो रीड कोड में इसे हम ऑन करेंगे, ये देखिए
परफेक्ट रिजल्ट बताता है। यहाँ पे देखें हीटर कंट्रोल सर्किट जो है सेंसर वन बता रहा है, एच ओ यानी ओ टू सेंसर जो है ये बता रहा है। एक्चुअल में ओ टू सेंसर को मैंने ओपन किया है, तो यानी कोई भी बाइक हो चाहे वो स्कूटर हो सब में ये इजीली कनेक्ट भी होगा और प्रॉब्लम को फाइंड आउट करेगा। चलिए एक और कौन सा सेंसर का बताता है वो देख लेते हैं। देखिए दोनों में से वही सेम बता रहा है, हीटर कंट्रोल सर्किट बैंक वन सेंसर वन, जो प्रॉब्लम जो मैंने क्रिएट किया है सेम टू सेम वही बता रहा है। चलिए एक और टॉप ब्रांड यानी केटीएम की आरसी में चेक करते हैं, ताकि आप सभी मैकेनिक भाइयों के माइंड में जो कन्फ्यूजन चल रहा होगा कि टॉप ब्रांड की गाड़ियों में कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम करता है वो सारे क्लियर हो सके। क्योंकि नॉर्मल मैंने स्प्लेंडर में होंडा एक्टिवा KTM की RC और रॉयल इनफील्ड सभी ब्रांड की गाड़ियों में मैंने चेक करके दिखाया कि यह कुछ ही सेकंड में फाइंड आउट करता है। कोई भी ब्लूटूथ ऑन करने की जरूरत नहीं, ना ही लोकेशन ऑन करने की जरूरत है, कुछ भी नहीं। होंडा एक्टिवा 6G देखें तो इसके अंदर हम कनेक्टिविटी लेने वाले हैं। अभी देखिए यहाँ कुछ नहीं है, चलिए इग्निशन को ऑन करते हैं। ये देखिए इग्निशन को कर दिया मैंने ऑन। अब सबसे पहले इसके एंटर वाले बटन को प्रेस करेंगे, वेट कर रहा है थोड़ा सा। ये देखिए क्या है, कोड फाउंड 0 यानी कोई भी इसके अंदर फॉल्ट नहीं है क्योंकि गाड़ी हमारी एकदम नई है। देखें यहाँ 0-0 किलोमीटर चली हुई है। अब चलिए कोई फॉल्ट इसके अंदर हम क्रिएट करते हैं ताकि आसानी से देखा जा सके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई भी एक सेंसर्स को ओपन करेंगे। कौन सा ओपन कर लें, चलिए यहाँ ओपन करते हैं इसका ISAV और थ्रोटल पोजिशन सेंसर, देखते हैं हमारी गाड़ी जो है डेटा फाइंड आउट कर पाता है या नहीं। तीन चीज़ों को ओपन किया है, यहाँ पे देखें इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर, इंजेक्टर सर्किट और ISAV वाल्व, तीन चीज़ों के कपलर को ओपन किए हैं। नई गाड़ी है, आपने देखा नई गाड़ी में कोई भी डेटा फाइंड आउट नहीं किया। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसके इग्निशन को ऑफ करके गाड़ी को ऑन करेंगे। तो आपने देखा कि मैंने इसके तीन चीज़ों को ओपन किया है। अब चलिए गाड़ी के इग्निशन को ऑन करते हैं और देखते हैं कि क्या प्रॉपर तरीके से ये फाइंड आउट कर पाएगा कि नहीं, जो मैंने तीन चीज़ों को ओपन किया, क्योंकि एक्यूरेट वर्क करता है कि नहीं वो देखेंगे। प्रेस, ये थोड़ा सा वेट करेगा। तो इसको आप जैसे ये देखिए, देखिए जो मैंने तीन चीज़ों को ओपन किया, यहाँ देखिए कोड जो फाउंड हुआ है यहाँ पे, तीन कोड मैंने तीन चीज़ों को ओपन किया, क्या क्या, इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर, इंजेक्टर सर्किट और यहाँ पे स्टार्टर सोलेनोइड। अब इसके कोड को हम पढ़ते हैं कि क्या वही सेम कोड दिखेगा। तो इसको चलिए ऑन करके इसके ऊपर वाले जो कोड है उसके ऊपर जाके देखिए ये कोड है, एंटर करेंगे। ये देखिए सेम टू सेम क्या दिखा, इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर, स्क्रॉल करते हैं, इंजेक्टर सर्किट वही सेम और आइडल ईयर कंट्रोल वाल्व एकदम जो एक्यूरेट बता रही है। अगर यहाँ पे देखें तो इसका ये चीज़ ओपन है और साथ ही साथ इंजेक्टर सर्किट ओपन है और यहाँ पे आइडल ईयर कंट्रोल का ओपन है। मीटर में अगर दिखाया जाए तो यहाँ पे चेक लाइट चल रहा है। अब चलिए आपको रॉयल इनफील्ड और KTM जो हाई ब्रांड की गाड़ियाँ जिसमें कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम होता है उन सभी में चेक कराते हैं, क्योंकि स्कूटर और बाइक में आपने देख ही लिया कि सेम डेटा जो मैंने ओपन किया सेम टू सेम वही सारी चीज़ें बता रही है। ये देखिए मात्र तीन कोड जो मैंने तीन चीज़ों को ओपन किया है। वीडियो को एंड करने से पहले यहाँ पे मैं KTM RC125 के अंदर भी कनेक्टिविटी ले रखी है और यहाँ पे मैं इसके अंदर भी आपको टेस्ट करवा के दिखाऊंगा कि ये जो है परफेक्ट RC के अंदर काम करता है या नहीं। यानी नॉर्मल 100cc से लेकर 390 या 400cc तक जो है कंप्लीट सभी गाड़ियों को स्कैन करता है कि नहीं। मैंने इस चीज़ को टेस्टिंग करने के लिए यहाँ पे देखें कूलेंट टेम्परेचर सेंसर को मैंने ओपन कर लिया है। अब चलिए गाड़ी के इग्निशन को ऑन करते हैं और अभी बिना स्टार्ट किए गाड़ी को, काफ़ी समय ऐसा होता है कोई ऐसा सेंसर या एक्चुएटर खराब हो जाता है जिसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट हो नहीं पाती है, तो क्या बंद कंडीशन में ये फाइंड आउट करेगा या नहीं ये देखेंगे। तो अभी सिर्फ हम गाड़ी का इग्निशन ऑन करेंगे, ना कि गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। चलिए गाड़ी का हम इग्निशन ऑन कर लिए, फ्यूल पंप परफेक्ट चल रहा है। अब यहां पे इसके अंदर जो है हम कोड फाइंड आउट करेंगे कि परफेक्ट ये बताता है या नहीं। तो एंटर करेंगे इसको, ये थोड़ा सा स्कैन करेगा, फिर से बैक करके फिर से रीड कोड करेंगे। ये देखिए
परफेक्ट, यानी सिर्फ सिंगल कोड है। और यहाँ पे देखें इंजन कूलेंट टेम्परेचर सर जो है यहाँ पे वन सर्किट और वन हाई, यानी इसका जो मैंने जो चीज़ ओपन किया है यहाँ पे जो है ये परफेक्ट बता रही है। यानी पता ये चला कि कोई भी बाइक हो, कोई भी स्कूटर हो, कितनी भी सीसी की हो, चाहे वो रॉयल इनफील्ड हो या जो स्पोर्ट बाइक हो, क्रूजर बाइक हो, डर्ट बाइक हो, सभी के अंदर ये काम करेगा और ये परफेक्ट है। कोई भी ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी नहीं, कोई भी जीपीएस लोकेशन ऑन करने की जरूरत नहीं है, बिना गाड़ी को स्टार्ट किए भी ये सारी चीज़ों को फाइंड आउट कर लेता है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको हेल्पफुल जानकारियां मिली हो। हर गाड़ियों में मैंने इसको टेस्टिंग कर लिया है। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और इस चीज को खरीदनी हो तो लेट मत कीजिए, मुझे जो है व्हाट्सएप कीजिए और इस चीज को आप खरीद सकते हैं मेरे से। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी सी टॉपिक लेकर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।